जमीन घोटाला मामले में सीएम हेमंत सोरेन से ईडी की पूछताछ के बाद ईडी द्वारा उन्हें गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी के साथ हेमंत सोरेन ने अपनी पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा के सीनियर नेता चंपई सोरेन को राज्य का नया मुख्यमंत्री बनाने का फैसला किया। चंपई ने राज्यपाल से मिलकर सरकार बनाने का दावा पेश किया। उन्होंने 47 विधायकों का समर्थन पत्र राज्यपाल को सौंपा है। वहीं हेमंत सोरेन आज ईडी की अदालत में पेश होंगे। मामले पर हमारे संवाददाता प्रतीक सिंह जुड़ चुके हैं। प्रतीक जी, क्या सीएम को रिमांड के लिए ईडी कोर्ट लाया गया है? देखिए, सीएम नहीं कहे, पूर्व सीएम अब हो गए, क्योंकि कल ही देर रात राजभवन में मुख्यमंत्री जो पहले हुआ करते थे हेमंत सोरेन, उन्होंने इस्तीफा दे दिया गया है और उसके बाद उन्हें ईडी ले जाया गया, ईडी के ऑफिस, और देर रात तक वो ही रहे। आज सुबह उनकी पत्नी कल्पना सोरेन भी उनसे मिलने गई और यह कयास लगाया जा रहा है कि 1:30 से 2 के बीच में पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी की टीम यहाँ ईडी कोर्ट लाएगी। बहरहाल अभी करीब 1:15 बजने को है, अभी तक वो आया नहीं है। और यह भी पता चल रहा है कि ईडी की टीम जो है, जितनी पूछताछ के दौरान, खासतौर पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से, पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से 3 बार पूछताछ की गई, उन सभी बातों का वो संकलन कर रही है और पेपर तैयार कर रही है। तो यह कयास लगाया जा रहा है कि 2 से 2:30 के बीच में हेमंत सोरेन को ईडी की टीम लेके आएगी। जी, हमारा अगला सवाल आपसे होगा कि क्या वहां पे ईडी कोर्ट के पास महागठबंधन के विधायक भी पहुंचे हैं? देखिए, अभी जो राजनीतिक गलियारों से खबरें आ रही है, सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि जो महागठबंधन के विधायक हैं वो राजभवन के लिए कूच किए हैं। यहाँ जो अगर बात करें ईडी कोर्ट की, तो यहाँ काफी बड़ी संख्या में फोर्स डिप्यूट किए गए हैं और जो सुरक्षा व्यवस्था है 3 लेयर की गई है। बहरहाल यहाँ काफी जो सुरक्षा व्यवस्था है काफी पुख्ता कर दी गई है और यह कयास लगाया जा रहा है कि 2:30 से 3 के बीच में हेमंत सोरेन को ईडी की टीम लाएगी और रिमांड पर लेने की गुजारिश करेगी। जी, आप ये जानकारी बता सकते हैं कि कितने दिनों की रिमांड को लेकर ईडी के द्वारा कोर्ट में आवेदन दिया गया है? देखिए, अभी ईडी की टीम पहुंची नहीं है हेमंत सोरेन को लेकर, और अभी वो पूरा दस्तावेज जो है ईडी की टीम अपना पुख्ता कर रही है, क्योंकि कोर्ट में आने से पहले वो अपना सारा चीज दुरुस्त रखे। और जब अभी तक अगर मान लीजिए ईडी की टीम आएगी, तभी जज के सामने रिमांड की बात होगी। वो 7 दिन का रिमांड मांग रही है या 10 दिन का, ये कोर्ट पे तय होगा कि उन्हें कितने दिन का रिमांड मिलता है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए प्रतीक सिंह जी। और अब हम बढ़ेंगे आगे की खबर की ओर। निवर्तमान सीएम हेमंत सोरेन की ईडी के खिलाफ क्रिमिनल रीट याचिका पर आज सुनवाई हुई। हेमंत सोरेन की ओर से ईडी की पूछताछ एवं हुई गिरफ्तारी को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। सोरेन की ओर से महाधिवक्ता राजीव रंजन एवं अपर महाधिवक्ता सचिन कुमार ने हस्तक्षेप याचिका दायर करने एवं इस मामले को लेकर 12 बजे रखने का आग्रह किया, जिस पर खंडपीठ ने नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि बिना दूसरे पक्ष को सूचित किए इस मामले को कैसे सुना जा सकता है। कोर्ट ने नाराजगी जताते हुए कहा कि मामले की अर्जेंसी प्रतीत नहीं होती है, इसलिए इस मामले की 2 फरवरी को सुनवाई होगी। हेमंत सोरेन के द्वारा ईडी के सम्मन को चुनौती देने वाली याचिका पर आज झारखंड उच्च न्यायालय में माननीय कार्यवाहक मुख्य न्यायमूर्ति की अध्यक्षता वाली खंडपीठ में सुनवाई हुई। माननीय खंडपीठ के समक्ष जो याचिका दायर की गई थी, उसमें तकनीकी खामियां एवं दूसरे पक्ष के अधिवक्ता को बिना सूचित किए, बिना कॉपी सर्व कराए यह याचिका दाखिल की गई थी, जिस पर माननीय खंडपीठ ने नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि बिना दूसरे पक्ष के यह मामले को कैसे सुना जा सकता है। विद्वान महाधिवक्ता के द्वारा पक्ष रखते हुए
यह बताया गया कि कल देर रात इस मामले में कुछ डेवलपमेंट हुआ है, जिसको लेकर कुछ डॉक्यूमेंट इसमें शामिल करने के लिए एक आईए के माध्यम से समय चाहते हैं। आज दोपहर का समय के लिए प्रार्थना किया गया था, जिसको अस्वीकृत करते हुए माननीय खंडपीठ ने कल इसकी विस्तृत सुनवाई के लिए समय निर्धारित किया है। इस मामले की विस्तृत सुनवाई 2 फरवरी को की जाएगी। हेमंत सोरेन। जमीन घोटाला मामले को लेकर बुधवार देर रात सीएम हेमंत सोरेन को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया। अपनी गिरफ्तारी की आशंका को देखते हुए हेमंत सोरेन ने अपने समर्थकों और राज्यवासियों को संबोधित करते हुए एक वीडियो संदेश जारी किया है, देखिए वीडियो। आज मुझे ईडी गिरफ्तार करने आई है। दिन भर हमसे पूछताछ करने के बाद, समय बिताने के बाद सुनियोजित ढंग से मुझे गिरफ्तार करने का उन लोगों ने फैसला सुनाया। और किस विषय पर? ऐसे विषय पर जो चीजें मुझसे जुड़ी ही नहीं है। मुझ पर 8.5 एकड़ जमीन का मालिक होने का इनका दावा है, और भुयारी जमीन क्या, जो जमीन कभी बिकती ही नहीं, और कहीं सबूत नहीं मिला। दिल्ली में भी इन लोगों ने छापे मारकर हमारी जो छवि खराब करने की कोशिश की, और आज अंतोगत्वा ये सुनियोजित तरीके से दिन भर ये योजनाबद्ध तरीके से आए, समय काटे, और उनको पता है कि शाम के वक्त कोर्ट कचहरी बंद हो जाता है, और उन लोगों ने अपने योजना के अनुसार मुझे अरेस्ट करने का निर्णय में सुनाया। मैं कोर्ट के निर्णय पर बिल्कुल सर्वमान्य के साथ उसका सम्मान करता हूं। अभी मैं कोर्ट में जा रहा हूं, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि मुझे इतना वक्त मिलेगा, क्योंकि आपको पता है कि व्यवस्थाएं देश के अंदर किस तरीके से चलती हैं। आज एक लोकप्रिय सरकार, एक आदिवासी अपने ताकत के बल पर जीतकर सरकार बनाकर राज्य की जनता का सेवा कर रहा था। आज लगता है ये वक्त अब मेरे लिए खत्म हो रहा है। अब एक नई लड़ाई हमें लड़नी पड़ेगी, ऐसे सामंती विचारों के साथ और ऐसे तंत्रों के साथ जो निर्दोष लोगों को, गरीब निरीह आदिवासी दलित पिछड़ों के ऊपर जो अत्याचार करते हैं, उनको मजबूत भी करेंगे और उनके लिए संघर्ष भी करेंगे। आज मुझे संभवतः ये लोग अपने कब्जे में ले लेंगे, मुझे उसका चिंता नहीं। शिबू सोरेन का मैं बेटा हूं, संघर्ष हमारे खून में है, और संघर्ष करेंगे, लड़ेंगे, जीतेंगे। और जिस मंसूबे के साथ आज मुझे अरेस्ट करने का इन लोगों ने निर्णय लिया है, और आपको हम बता दें, बड़ा आश्चर्य की बात है, अभी मैंने जिस जमीन को लेकर उन्होंने मुझ पर आरोप लगाए और मुझे अरेस्ट कर रहे हैं, जहां पर दूर दूर तक मेरा कोई भी नाम कहीं से नहीं, बल्कि जो लोग जाली कागज बनाकर और जिनके फर्जी शिकायत के आधार पर मुझे आज गिरफ्तार करने का एक षड्यंत्र रचकर ये कामयाब हो रहे हैं, और मुझे पूरा विश्वास है आज नहीं कल सत्य की विजय होगी। साथियों, समय मेरे पास बहुत कम है, बहुत कम समय में ये मैं वीडियो बना रहा हूं। एक जो अभी हाल में राजनीतिक षड्यंत्र का शिकार बिहार हुआ है, अब ये दूसरे राजनीतिक षड्यंत्र का शिकार झारखंड को बनाना चाहते हैं, लेकिन आप आश्वस्त रहें, हेमंत सोरेन झारखंड के हर एक व्यक्ति के दिल में है, हर एक नौजवानों के दिल में है, हर एक बुजुर्गों के दिल में है, हर एक बच्चों के दिल में रहेगा। और जिस तरीके से बूढ़े बुजुर्ग के सेवा करते हुए, नौजवानों को रोजगार देते हुए, अपने महिला सशक्तिकरण को लेकर हमने काम किया, रोजगार सृजन को लेकर काम किया,
वो एक लंबा इतिहास लिखेगा, एक लंबा लकीर के रूप में। मैं इसे आज संभवतः ये इस लकीर को और ना खींचने दे मुझे, लेकिन आप अस्वस्थ रहें, सत्य की कभी हार नहीं होती। ये मुझे जरूर थोड़ा पिछले तभी करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन ये बहुत ज्यादा दिन तक चलेगा नहीं। लेकिन जब हम अगली लड़ाई के लिए तैयार होकर आएंगे तो इस मजबूती के साथ आएंगे कि दोबारा इस तरीके के षड्यंत्र करने वाले आगे से इस तरीके के कदम उठाने से भी हजारों बार इनको सोचना पड़ेगा। धन्यवाद साथियों, जोहार। और कल सुबह अखबार के माध्यम से, टीवी चैनलों के माध्यम से संभवतः आप सब लोगों को इस बात की खबर होगी कि आज हेमंत सोरेन गिरफ्तार हो गया और हमारे जो विरोधी लोग हैं वो अपने नापाक इरादे पर जो अभी कामयाब हो रहे हैं इस पर अपना पीठ थपथपाएंगे। और मैं जानता हूं झारखंड की जनता काफी संवेदनशील है और कर्मठ है, और हम अपनी ईमानदारी के साथ अपनी लड़ाई को जारी रखेंगे। और मैं उम्मीद करता हूं कि हमारी इस लड़ाई में आपका भी पूरा सहयोग मुझे प्राप्त होगा। धन्यवाद, जोहार। निवर्तमान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मिलने पत्नी कल्पना सोरेन बेटे के साथ ईडी कार्यालय पहुंची, जहां लगभग 45 मिनट रहने के बाद कल्पना सोरेन निकल गई हैं। हम रहेंगे, पीछे रहेंगे। नए संसद भवन में बजट सत्र का दूसरा दिन है। पहले दिन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपने अभिभाषण में मोदी सरकार की उपलब्धियों को गिनाया। सत्र के दूसरे दिन वित्त मंत्री ने बजट पेश किया। आपको बता दें कि आम चुनाव से पहले मोदी सरकार की आखिरी बजट पेश किया गया है। बता दें कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अपने कार्यकाल का छठा बजट पेश की है। इस बजट में अर्थव्यवस्था, किसानों, महिलाओं और युवाओं के विकास पर जोर दिया गया है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गुरुवार को लोकसभा में वर्ष 2024-25 का अंतरिम बजट पेश की। अंतरिम बजट में महिलाओं, युवाओं और किसानों को तरजीह दी गई है। डायरेक्ट या इनडायरेक्ट टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया है। वहीं रक्षा खर्च में 11.1% की बढ़ोतरी की गई है, जो अब यह जीडीपी का 3.4% होगा। अंतरिम बजट में आशा बहनों को भी आयुष्मान योजना का लाभ देने का निर्णय लिया गया है। तिलहन के अनुसंधान को बढ़ावा दिया जाएगा। हर महीने 300 यूनिट बिजली फ्री दी जाएगी। मालूम हो कि लोकसभा चुनाव से पहले का ये अंतरिम बजट है और इसके माध्यम से सरकार ने हर वर्ग को खुश करने का प्रयास किया है। आधी आबादी, युवा और किसानों को बजट में फोकस कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले दिनों किए अपने वादे को पूरा किया है। सेकेंड टर्म आवर गवर्नमेंट अंडर द लीडरशिप ऑफ ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर डबल डाउन ऑन इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज to build a prosperous country with comprehensive development of all people and all regions. Our government strengthened its mantra to sabka saath, sabka vikas and sabka vishwas. Our development philosophy covered all elements of inclusivity, namely social inclusivity through coverage of all strata of the society and geographical inclusivity through development of all regions of the country. With the whole of nation approach of Sabka Prayas, the country overcame the challenges of once in a century pandemic, took long strides towards Atmanirbhar Bharat, committed to Panch Pran, and laid solid foundations for the Amrit Kal. As a result, our young country has high aspirations, pride in its present, and hope and confidence for a bright future. We expect that our government, based on its stupendous work, will be blessed again by the people with a resounding mandate. Inclusive development and growth. Our humane and inclusive approach to development is a marked and deliberate departure from the earlier approach of provisioning up to village level. Development programs were thus provisioned. In the last 10 years, however,
have targeted each and every household and individual through Housing for All, Har Ghar Jal, Electricity for All, Cooking Gas for All, Bank Accounts and Financial Services for All in record time. The worries about food have been eliminated through free ration for 80 crore people. Minimum support. फिलहाल ब्रेक का वक्त हो चला है, तो मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद. आप देख रहे हैं लाइव 7. मजबूती का वादा लाल स्टील टीएमटी बार का दावा. मजबूत घर की एक ही पहचान लाल स्टील टीएमटी बार. रिश्ता मजबूती का. अगर आप करना चाहते हैं अपने बिजनेस को प्रमोट, तो इसके लिए आपको चाहिए होगा एक सपोर्ट. बेहतर स्क्रिप्ट, शानदार ग्राफिक्स, बेहतर विजुअल, दिखाएंगे कमाल. जानकारी पहुंचेगी जन जन तक, आपका काम करेगा धमाल. इन सभी चीजों के लिए अब ना हो परेशान. ब्रांड प्रमोशन, मोशन डिजाइनिंग एंड वीडियो एडिटिंग, 2D और 3D एनिमेशन, टेलीविजन टेलीकास्टिंग, सोशल मीडिया वर्क्स, स्क्रिप्ट राइटिंग जैसे कामों के लिए आज ही कॉन्टेक्ट करें 9267925186 पर. इसी के साथ ही आप हमें जीमेल भी कर सकते हैं vikasproduction.gfx@gmail.com पर. हम भारतीय हर साल लगभग 2 से 5 हजार करोड़ का विदेशी एंटीसेप्टिक लिक्विड इस्तेमाल करते हैं. ये सारा पैसा विदेशी कंपनी को जाता है, तो अब विदेशी नहीं स्वदेशी अपनाओ. बी बॉय एंटीसेप्टिक लिक्विड ले आओ. बी बॉय. आप देख रहे हैं लाइव 7. स्वागत है आपका ब्रेक के बाद. बढ़ते हैं खबरों की ओर. कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि जो भी मोदी के साथ नहीं जाएगा उसे जेल जाना पड़ेगा. साथ ही कहा कि ईडी का इस्तेमाल करके सोरेन को सीएम पद से इस्तीफा देने के लिए मजबूर करना संघवाद की धज्जिया उड़ाना है. वहीं राहुल गांधी ने आरोप लगाते हुए एक्स पर पोस्ट करके कहा कि ईडी, सीबीआई, आईटी आदि सब सरकारी एजेंसियां नहीं रही, अब यह भाजपा की विपक्ष मिटाव सेल बन चुकी है. गया जन अधिकार पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष विनोद मरांडी ने कोर्ट में सरेंडर कर दिया है. आपको बता दें कि वर्ष 2022 में एक मामले में इनका बेल टूटा हुआ था और पुलिस उनकी तलाश कर रही थी. जानकारी के अनुसार विनोद मरांडी के खिलाफ गुरारू थाना में मामला दर्ज था. बता दें कि जमीन विवाद को लेकर गुरारू थाना में प्राथमिकी दर्ज हुई थी. वैसे मौके पर सिटी डीएसपी पीएन साहू ने बताया कि जाप पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष विनोद मरांडी ने सरेंडर किया है. इस संबंध में विनोद मरांडी के पुत्र मिंटू वर्मा ने बताया कि इस मामले में उनके पिता आरोपी थे, उनका बेल टूटा हुआ था. बुधवार को उन्होंने कोर्ट में सरेंडर कर दिया है. सरेंडर किए गुरारू थाना कांड संख्या 232-22, जिसमें एक्ट था 379, 341, 323 और 385 में कोर्ट में सरेंडर किए. मतलब क्या धमकी? नहीं, धमकी उमकी का नहीं कहा. लड़ाई झगड़ा जमीन को विवाद को लेकर के हल्का जमीन मालिक से बहसा बस ही हुआ था. कब का मामला है ये? 22 का है, 2022 का है. कोर्ट में आया किसी दूसरे केस के? नहीं नहीं नहीं, इसी केस में सरेंडर बोलने आए थे कि हम बोल जाते हैं और कोई बात नहीं. सरेंडर किया? मुझे जो भी आरोप लगाया गया वो सब बेबुनियाद है. अगला जो हत्या किया वो जिम्मेवारी लिया, और यहाँ तक कि जो साजिश करता है वो भी पकड़ाया, और मुझे बलि का बकरा बनाया जाता है. जबकि पूरी जो है अनुसंधान में हमारे जांच में कहीं से कुछ नहीं आया. देवघर के सेवार्थ स्वयं सेवी संस्था द्वारा एसकेपी विद्या विहार के
देवघर के सेवार्थ स्वयं सेवी संस्था द्वारा एसकेपी विद्या विहार में असहायों के बीच कंबल, मूढ़ी और गुड़ वितरण के साथ सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर सिविल सर्जन डॉक्टर अंजन कुमार सिन्हा, पोर्ट के डायरेक्टर प्रवीण कुमार, पंचायत प्रशिक्षण संस्थान के प्राचार्य रणवीर सिंह, प्रभात खबर के संपादक कमल किशोर, श्वेत पत्र के संपादक कमलेश तुलस्यान मौजूद रहे। वहीं डॉक्टर एनडी मिश्रा, सामाजिक कार्यकर्ता रीता चौरसिया के हाथों कंबल वितरण किया गया। इस अवसर पर सिविल सर्जन ने कहा कि मुझे कई बार सेवार्थ के कार्यक्रमों में भाग लेने का अवसर मिला है। ये संस्था सामाजिक कार्यों में लगी रहती है और जरूरतमंदों की सेवा भी करती है। रणवीर सिंह ने कहा कि प्रारंभ से मैं इस संस्था के कार्यों को देख रहा हूं जो सराहनीय है। उगारू थाना कांड संख्या 232-22, जिसमें एक्ट था 379, 341, 323 और 385 में कोर्ट में सरेंडर किए हैं। मतलब क्या धमकी? नहीं, धमकी उमकी का नहीं कहा, लड़ाई झगड़ा जमीन को विवाद को लेकर के हल्का जमीन मालिक से भाषा बसी हुआ था। कब का मामला? ये 22 का है, 2022 का। कोर्ट में आया किसी दूसरे केस के? नहीं, इसी केस में सरेंडर बोलने आए थे कि हम बोल जाते हैं और कोई बात नहीं, सरेंडर किए। मुझे जो भी आरोप लगाया गया वो सब बेबुनियाद है। अगला जो हत्या किया वो जिम्मेवारी लिया, और यहाँ तक कि जो साजिश करता है वो भी पकड़ाया, और मुझे बलि का बकरा बनाया जाता है, जबकि पूरी जो है अनुसंधान में हमारे जांच में कहीं से कुछ नहीं आया। राजधानी रांची में मौसम का मिजाज बदला सा है। बता दें कि मौसम विभाग ने अपने पूर्वानुमान में बताया था कि आज 1 फरवरी को झारखंड में कई जगहों पर बारिश की संभावना है, और अब देखा जा सकता है कि रांची में हल्की बारिश भी हुई और ठंड बरकरार है। अब तक सूर्य की एक झलक भी आज नहीं दिखी है। बता दें कि मौसम विभाग के अनुसार आज रांची के साथ साथ देवघर, धनबाद, दुमका, गिरिडीह, गोड्डा, जामतारा, पाकुड़, साहिबगंज, बोकारो, गुमला, हजारीबाग, खूंटी, रामगढ़, पूर्व सिंहभूमि, पश्चिमी सिंहभूमि, सरायकेला, खरसावा और सिमडेगा में भी बारिश की संभावना है। हजारीबाग के बंदोबस्त कार्यालय में आज देर शाम अजीबोगरीब हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। आपको बताते चले कि बंदोबस्त कार्यालय के पदाधिकारी महेश कुमार संथारिया कई मामलों को लेकर चर्चा में हैं। इसके बाद आज अचानक उनके तबादला होने की खबर पर कार्यालय के ही कर्मियों ने उनके कार्यालय तक घेराव कर दिया। बता दें कि तृतीय श्रेणी में नियुक्त हुए कर्मियों ने लगातार मांग की है कि 6 महीने की रोके गए वेतन को उन्हें भुगतान कर दिया जाए। हालांकि इस बंदोबस्त पदाधिकारी ने नियमों का हवाला देते हुए कागजी प्रक्रिया के बाद वेतन दिलवाने की बात कही। हालांकि गुस्साए बंदोबस्त पदाधिकारी भी उनके साथ धरने पर बैठ गए और दोनों ओर से काफी देर तक कहासुनी हुई, जिसके बाद बंदोबस्त पदाधिकारी को जाने दिया गया। महोदय, हम लोगों की जो है सरकार के द्वारा 27 जुलाई 2023 को बंदोबस्त कार्यालय हजारीबाग में हम लोगों का नियुक्ति की गई है। उस नियुक्ति के आलोक में 8 अगस्त 2023 को हम सभी कर्मी, तृतीय संवर्ग के जो कर्मी हैं, परिमाप निरीक्षक, सर्वेयर, मुनसरिम, तीनों संवर्ग का कर्मी जो है नियुक्ति के आलोक में 8 अगस्त 2023 को योगदान दिए हैं। योगदान से लेकर के अब तक जो है हम लोग विधिवत बंदोबस्त पदाधिकारी के आदेशानुसार हम लोग सब कार्य कर रहे हैं। 5-6 महीना हो गया है
तीन महीना हो जाने के बाद में जो है सो हम लोग वेतन के संबंध में हम लोग मांग करते रहे बंदोबस्त पदाधिकारी से कि सर हम लोगों को वेतन भुगतान किया जाए। आजकल जो है सो किया गया और हम लोगों को गुमराह किया गया। इसकी सूचना जो है हम लोग पत्र के माध्यम से बंदोबस्त पदाधिकारी महोदय को भी दिए हैं, उपायुक्त महोदय को भी दिए हैं, कमिश्नर महोदय को भी दिए हैं और विभागीय सचिव महोदय को भी दिए हैं। उस पत्र के आलोक में जो है कमिश्नर साहब के यहाँ से जो है वेतन भुगतान करने का निर्देश भी दिया गया है बंदोबस्त पदाधिकारी के द्वारा, परंतु वेतन भुगतान ना करके जो है एक कमिटी बना करके लटकाने की प्रक्रिया जो है सो कर दी गई है। वेतन की मांग है कि वेतन देना है, आयुक्त महोदय का आदेश है 25 तारीख को वेतन की प्रक्रिया जारी है और प्रक्रिया पूरी करके इनको वेतन का भुगतान आयुक्त महोदय के निर्देश के आलोक में कर दिया जाएगा। कितने महीने से जो है वेतन लंबित है और क्या कुछ समस्याएं? देखिए, इनके जो अभी नियुक्ति की प्रक्रिया है वो प्रक्रियाधीन है। इनका जो भी कागजात आए उसको संलग्न करके रिपोर्ट बना करके विभाग को भेज दिया गया स्वीकृति के लिए। विभाग से स्वीकृति होकर आएगी तो ये प्रक्रिया पूर्ण हो जाएगी विभाग के निर्देश के आलोक में। इस बीच में आयुक्त महोदय का यह डायरेक्शन आया 25 तारीख को कि आप इनको वेतन का भुगतान करें, वो प्रक्रिया रत है, प्रक्रिया हो रही है कि वेतन देना है, आयुक्त महोदय का आदेश है 25 तारीख को वेतन की प्रक्रिया जारी है और प्रक्रिया पूरी करके इनको वेतन का भुगतान आयुक्त महोदय के निर्देश के आलोक में कर दिया जाएगा। कितने महीने से जो है वेतन लंबित है और क्या कुछ समस्याएं? देखिए, इनके जो अभी नियुक्ति की प्रक्रिया है वो प्रक्रियाधीन है। इनका जो भी कागजात आए उसको संलग्न करके रिपोर्ट बना करके विभाग को भेज दिया गया स्वीकृति के लिए। विभाग से स्वीकृति होकर आएगी तो ये प्रक्रिया पूर्ण हो जाएगी विभाग के निर्देश के आलोक में। इस बीच में आयुक्त महोदय का यह डायरेक्शन आया 25 तारीख को कि झारखंड के 24 जिलों से हजारों की संख्या में पहुंचे छात्रों ने जेएसएससी कार्यालय का घेराव किया। छात्रों ने कहा कि वर्ष 2017 और 2018 में भी जेएसएससी सिजिल की परीक्षा रद्द हो गई थी। 6 साल बाद 2024 में परीक्षा का फॉर्म निकलने के बाद युवाओं को रोजगार मिलने की उम्मीद जगी थी। 28 जनवरी की देर शाम परीक्षा के बाद पेपर लीक की खबर आने से छात्रों में काफी मायूसी है। इस दौरान छात्रों ने जेएसएससी अध्यक्ष, आयोग और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। छात्र लगातार जेएसएससी के अध्यक्ष नीरज सिन्हा से इस्तीफे की मांग कर रहे थे। छात्रों ने आरोप लगाया कि नीरज सिन्हा सीट बेच रहे हैं। छात्रों का कहना है कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होंगी, इस मसले में उनकी नीरज सिन्हा से वार्ता नहीं हो जाती, तब तक अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन करेंगे। जेएसएससी कार्यालय के बाहर टेंट और तंबू लगाकर धरना देंगे। जमशेदपुर के धाल भूमगढ़ थाना क्षेत्र के जुनबुनी पंचायत अंतर्गत गांव में बदमाशों ने एक बड़ी घटना को अंजाम दिया है। बदमाशों ने एक ही घर के 4 लोगों पर तलवार से हमला कर दिया, जिसमें 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना की सूचना मिलते ही धाल भूमगढ़ पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को अनुमंडल अस्पताल पहुंचाया। मृतका के पति ने कहा कि उनके परिजन के साथ एक लड़का छेड़छाड़ कर रहा था, वही लड़के को मना भी किया था, मगर आरोपी लड़के घर के दरवाजा तोड़ करके मारपीट किए और घटना को अंजाम दिया। वो पहले एक बार मेरा बेबी के छेड़छाड़ कर रहा था लड़का, तो हम उसको एक दिन मेला देखने गया था, तो मेला देखने गया था, वहाँ आने का टाइम बैठाया तो बोला भैया तुम काहे मेरा बेबी का ऊपर छेड़छाड़ कर रहा, तो हमको बोल रहा नहीं तुमको मार देगा, ये करेगा और छेड़छाड़ करेगा तो तुम क्या कर लेगा, हमको धकेल रहा, मारने खोज रहा। तो हम भी ऐसे मारपीट थोड़ा हो गया, तो पूरा दारू पिया था, पूरा नशा में था, इधर से उधर गिर जा रहा ऐसे हुआ था। तो उसका पापा काल को हम लोग को घर 10 बजे घुस करके ऐसे मार दिया तरवाल से, कपाट पिया फाड़ करके घुसा लात मार के मेरा बेबी को और मेरा पीसी को, हमको भी मारा। और वो लोग 3 आदमी आया था, उसका बाप और 2 लड़का, नया बाइक था। सीएम हेमंत सोरेन से ईडी की पूछताछ के खिलाफ रांची में जेएमएम कार्यकर्ताओं का जमावड़ा देखा गया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने ईडी और केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारे लगाए। कार्यकर्ता हाथों में पार्टी का झंडा लिए हुए थे, साथ ही तीर धनुष भी साथ लाए थे, जिसका प्रदर्शन लगातार करता नजर आए। जेएमएम कार्यकर्ताओं ने कहा कि एक आदिवासी मुख्यमंत्री को समन भेजकर बेवजह परेशान किया जा रहा है। बता दें कि प्रदेश भर से जेएमएम कार्यकर्ता सड़कों पर नजर आए।